नमस्कार। तीन दिन पहले राहुल जी आपका इंटरव्यू देखा, उसी दिन मन हुआ था कि आपसे बात की जाए, लेकिन फुर्सत नहीं मिली, तो आज मैं आपसे कुछ बात करना चाहता हूं। आपने कहा नरेंद्र मोदी का लॉकडाउन फेल हो गया। नरेंद्र मोदी ने कहा था कि 21 दिन के बाद कोरोना खत्म हो जाएगा, भाग जाएगा। राहुल जी, आप 135 साल पुरानी पार्टी के नेता हैं, पूर्व अध्यक्ष, कम से कम कुछ होमवर्क करके आया करिए, कहने से पहले कुछ सोचा करिए, मजाक होता है इन सब बातों से। नरेंद्र मोदी ने कभी ये नहीं कहा था, बल्कि उन्होंने कहा था कि 21 दिन का लॉकडाउन बहुत जरूरी है इस देश के लिए, अगर ये लॉकडाउन 21 दिन का नहीं किया गया तो 21 साल देश पीछे चला जाएगा। जान है तो जान है, लेकिन उसकी जगह आप गलत बात करके बरगलाना चाहते हो पूरे देश को। दूसरी चीज, आपके भी तो सारे मुख्यमंत्री थे, पंजाब की कैप्टन अमरिंदर सिंह हैं, गहलोत जी हैं, या बघेल साहब हैं, या महाराष्ट्र में आपकी जो गठबंधन की सरकार चल रही है, उन्होंने हर बार ये कहा कि नहीं, हमें तो लॉकडाउन को बढ़ाना है। क्यों नहीं टोका आपने, क्यों नहीं किया ऐसा? क्योंकि आप को सिर्फ कोसना आता है, जिम्मेदारी से भागना आता है। आप तो जिम्मेदारी से यह भी भाग रहे हैं कि महाराष्ट्र में आप कहना चाहते हैं कि वहां पर जो मौतें हो रही हैं, वहां जो कोरोना बढ़ रहा है, उसमें आप कुछ कर नहीं सकते। बहुत अच्छे, 9 मिनिस्टर हैं कांग्रेस के वहां पर, 9। इसके बाद आप कहना चाहते हैं कि हमारा कुछ वहां चलता नहीं। अगर आपकी बात नहीं मानी जाती और आपकी तरीके से नहीं निपटा जा रहा है जिस तरह से आप चाहते हैं, तो क्यों नहीं वापस ले लेते समर्थन? आपकी राजीव गांधी की जो राजीव गांधी ने समर्थन वापस ले लिया था चंद्रशेखर के, केवल इस बात पर कि 2 पुलिस वाले उनके आपके घर के बाहर देखे गए थे, और आप यहां कहना चाहते हैं देश इतनी बड़ी त्रासदी में आप कुछ करना ही नहीं चाहते। राहुल जी, एक जिम्मेदार होने के नाते कुछ राष्ट्र की सेवा करिए, बरगलाइए मत, कंफ्यूज मत कीजिए देश को। क्या करते नरेंद्र मोदी, मार डालते सबको? लॉकडाउन नहीं लगाते तो क्या करते? क्या आपने यहां इंफ्रास्ट्रक्चर बना के दिया ऐसा जिसके अंदर सारे लोग अगर बीमार हो जाते तो इलाज हो सकता था? 130 करोड़ के देश में आप सब लोगों ने मिलाकर आज तक 3,593 गवर्नमेंट के हॉस्पिटल और 11,810 प्राइवेट हॉस्पिटल बना के दिए, कुल मिला के 15,000, उसमें से 80-90% हमेशा ऑक्यूपाइड रहते हैं। कहां से लाते इतने बिस्तर अगर कोरोना पूरी तरह से फैल गया होता? अमेरिका जैसा कंट्री नहीं निपट पा रहा है, जिसकी 33 करोड़ की आबादी है, जिसके यहां पर 1,00,000 से ऊपर ज्यादा मर चुके हैं लोग, 17,00,000 लोग वहां पर आज भी बेड पर कोविड-19 से जूझ रहे हैं। ब्राजील, इटली, स्पेन, फ्रांस, जर्मनी, कोई नहीं निपट पा रहा है। और ये सीमित साधनों वाला देश जिसको आप लोगों ने ऐसा बना के छोड़ा था, वो देश आप उम्मीद कर रहे थे कि ये निपट जाएगा, खत्म करवाना चाहते थे यार। 4,800 लोग केवल इस देश के अंदर अभी तक खत्म हुए और 1,65,000 लोग बीमार हुए। इसको आप लॉकडाउन का कंट्रोल नहीं कहेंगे तो क्या कहेंगे? अगर लॉकडाउन नहीं होता तो क्या ये स्थिति रह पाती? लाशों पर चल रहे होते हम। लेकिन नहीं, आपको राजनीति करनी है, सोल्यूशन नहीं देना है। मजदूर भाग रहे थे आपके महाराष्ट्र से, मजदूर भागे पंजाब से, मजदूर भागे राजस्थान से, मजदूर भागे दिल्ली से। आपने राष्ट्रहित में एक बार भी कहा मजदूर भाइयों जाओ मत, कांग्रेस आपके साथ खड़ी है, आपको सपोर्ट देगी, आपको भोजन देगी, आप रुकिए, राष्ट्र को जरूरत है, फैक्ट्रियों को काम की जरूरत है, कल को आर्थिक स्थिति खराब होगी देश की कौन जिम्मेदार होगा? आपने एक बार भी कहा होता तो कम से कम समझ में आता कि आप राष्ट्र की चिंता करते हैं। राहुल जी, देश बड़ा होता है, राजनीति तो बाद में भी कर ली जाती है। और आपकी, मैं आपके पूरे परिवार की बहुत इज्जत करता हूं राहुल जी, इंदिरा गांधी जी का मैं बहुत बड़ा प्रशंसक हूं, आपके पिताजी राजीव गांधी का बहुत बड़ा प्रशंसक, नरसिंह राव जी का बहुत बड़ा प्रशंसक, खानदानी कांग्रेसी। लेकिन आज भी मैं बीजेपी का वर्कर नहीं हूं, ना ही उनका कोई मेंबर हूं,
लेकिन इसके बावजूद भी राष्ट्र हित में बात आती है तो नरेंद्र मोदी को मैं वोट देता हूं, छाती ठोक के देता हूं और दूंगा जिस दिन तक वो राष्ट्र हित में काम करेंगे। क्या दिया आपने कहा सन 2014 में जो आप नरेंद्र मोदी से उम्मीद रख रहे हैं कि 7,500 आप हर एक के खाते में डालिए, 10,000 एक मुश्त डालिए, कैसे डाले? आज आपको समझ में आया 35 करोड़ जो जनधन अकाउंट खोले उसी की बदौलत तो आज उम्मीद कर पा रहे हैं कि नरेंद्र मोदी से कह पा रहे हैं कि आप डालो। उस समय आप मजाक उड़ाते थे क्या ये अकाउंट खोल दिए। सरकार फिर भी कर रही है, आप लोगों ने तो खोखला करके इस देश को छोड़ा था। आपकी बीज खाद के लिए भी लाइन लगती थी, चार चार दिन तक लाठियां किसान खाता था, याद है आपको? 80% एरिया के अंदर हिंदुस्तान के अंदर आधे समय बिजली नहीं आती थी, किसानों को पानी नहीं मिलता था, 9 सिलेंडर दिए जाएं, 12 सिलेंडर दिए जाएं, इसके ऊपर बहसें चला करती थी कि कितना सब्सिडी दी जाए। और यदि आप ये कहना चाहते हैं कि नहीं हमने तो बड़ा खजाना छोड़ा था, तो ऐसा बोलिए ना नरेंद्र मोदी से चिल्ला के, साहब श्वेत पत्र लेके आइए, हमने ये संपदा छोड़ी, खोखला कर दिया था आपने और देश को। और आप कहते हैं हमने देश के लिए बहुत कुछ किया, क्या किया? सन 47 में हम आजाद हुए, हमसे 2 साल बाद चाइना आजाद हुआ, आज हमसे 5 गुनी उसकी जो अर्थव्यवस्था है, 15 साल वो हमसे कम से कम पहले से मेट्रो बुलेट ट्रेन बना के ले गया, 25 साल वो हमसे आगे है। और आप हमसे कहते हैं हम पाकिस्तान से आगे, हम नेपाल से आगे, हम इससे आगे, क्या किया आपने? और जो भी कुछ किया, अगर आप कहते हैं मोबाइल आया, कार आई, आए सब नेपाल में भी मिलती है और लंका में भी मिलती है, और ये सब कंट्री में है, और ये ऐसा हमेशा होता चला आया। लेकिन आपने इस देश को कहां बनाया? मत करिए इस तरह से क्रिटिसाइज, सकारात्मक राजनीति करिए। राम जन्मभूमि जैसा मुद्दा सुलझाएगी, आपसे एक बधाई नहीं निकली? बड़े बड़े मामले यहां पर किए गए, सीए जैसा कानून लाया गया जो बिल्कुल देश हित में था, राष्ट्र हित में था, जिसमें मुसलमानों की कोई नागरिकता नहीं जा रही थी, इसके बावजूद आप लोगों ने भड़का दिया, उठ के आ जाओ। और सबसे ज्यादा तो हद आपने तब कर दी जब जम्मू कश्मीर, जो कि आपके खुद जवाहरलाल नेहरू का ये था कि ये धारा जो है टेम्परेरी धीरे धीरे खत्म हो जाएगी, जिस 370 और 35 ए को जिस वक्त यहां पर लागू किया गया, वो भी संवैधानिक रूप से लोकसभा राज्यसभा से पास करा के उसको भी आपने असंवैधानिक कह दिया। संविधान और संवैधानिक की बात जानते हैं? 100 दफा आपकी सरकारों ने कम से कम 356 का दुरुपयोग किया, वो संवैधानिक था। और उसके बाद भी आप बाज नहीं आए अपनी अनमेच्योरिटी से, जब आपको मालूम था कि पाकिस्तान उपद्रव करा सकता है, जब आपको मालूम था वहां कर्फ्यू लगा हुआ है, जब आप जानते थे इंटरनेट बंद है, जब आप जानते थे शांति, फिर भी आप वहां पहुंच गए थे कश्मीर में केवल इसलिए कि किसी तरीके से डिस्टर्ब किया जाए इस पूरा जो 370 हटी है, इसको मतलब बदनाम किया जाए। आप क्यों नहीं जाते? अब खुला माहौल है, जाइए ना। लेकिन आप नहीं जाएंगे क्योंकि आपको केवल राजनीति रोटियां सेकनी है। देश चाहे कर्त में, देश चाहे भाड़ में, नरेंद्र मोदी हारना चाहिए, नरेंद्र मोदी खराब होना चाहिए, नरेंद्र मोदी को जाना चाहिए। लेकिन उखाड़ नहीं पाओगे उस आदमी का, नरेंद्र मोदी का ये बाल नहीं पाओगे। इस तरह से सारा देश समझ चुका है। जय हिंद।